राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सिंह राशि के लोगों का भाग्योदय कब होता है, यदि जीवन में सफलता नहीं मिल रही तो क्या उपाय करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि चक्र की पांचवी राशि है सिंह राशि। इस राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा भी हैं। इस राशि के लोग काफ़ी जोशीले और साहस से भरे होते हैं। सिंह राशि में जन्मे लोग अपने दोस्तों के प्रति वफादार और सहयोगी होते हैं। ये लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लेते हैं। ये लोग बहुत ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। ये कर्मठ और न्यायप्रिय होते हैं। आइए जानते हैं कि सिंह राशि किन किन लोगों की होती है। जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा के साथ 5 अंक लिखा होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मा मी मू मे मो टा टी टू टे शब्दों से जिनका नाम शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी भाग्योदय अवश्य होता है। भाग्योदय होने पर व्यक्ति को जीवन में सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के भाग्योदय का समय दिया गया है। आइए जानते हैं सिंह राशि के लोगों का भाग्य कब उदय होता है। सिंह राशि वालों का भाग्य 16 साल की उम्र में चमकने लगता है। 22, 24, 26 और 28 साल की उम्र में भी भाग्योदय की प्रबल संभावना रहती है। जीवन के इन सालों में सिंह राशि के जातकों को अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। इन सालों में यदि सिंह राशि के व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, चाहे वो नौकरी से जुड़ा हो या व्यापार से, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सूर्य ग्रह कमजोर है या उन्हें कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है तो कुछ उपाय के जरिए सूर्य ग्रह को मजबूत कर सफलता पाई जा सकती है। भाग्योदय के समय का लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं भाग्योदय के लिए क्या उपाय करना चाहिए। सूर्यदेव को विधि पूर्वक अर्घ दें। रविवार के दिन व्रत रखें। हनुमान जी और शिव जी की उपासना करें। लाल वस्तुओं का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन सरल उपायों को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में भाग्योदय के समय का उत्तम लाभ उठा सकते हैं। राधे राधे।